इसलिए जला है भाई, हमारे बारे में गाली आप दोगे तो हम आपको जला देंगे। मनुस्मृति क्या चीज है? आप मेरे बारे में गाली देंगे हम आपको जला देंगे। ये मनुस्मृति जलाई गई, ये भी बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया जो मनुस्मृति जला दिया, नहीं तो आज हमारी वही हाल होता जो पहले था। तभी तो बीमार में आई आजाद समाज पार्टी, सबको एक करेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक मंच पे लाएं और हम लोग लाएंगे। बीमार में अभी भी बीमार में जब भी उतरी है समाज में या धरातल पर तो वो काम करके ही वापस गई है। ये भी काम करेगी और सबको एक जगह लाएगी। बिल्कुल, मनुस्मृति है या लोगों की, इसमें क्या क्या बुराइयाँ लिखी हैं अलग अलग समाज के लिए, नारी के लिए, अछूत के लिए, शूद्र के लिए, आदिवासी के लिए क्या क्या लिखी हैं, दंड इसमें है। लेकिन हमारा पिछड़ा समाज आज भी उस मनुस्मृति को पीठ पर ढोते हुए लेकर घूम रहा है। जुर्म के जर्रे जर्रे को अगर ठंडक पहुंचा रहे हैं तो उस एंटीडोट का नाम है भीम आर्मी। पूरे राष्ट्र में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का जुर्म हो, चाहे उसके प्रति अत्याचार का कितना भी आक्रोश क्यों न भरा हो, लेकिन उसके जर्रे जर्रे को ठंडक पहुंचाने वाला एक एंटीडोट है जिसका नाम है भीम आर्मी। ये मनुस्मृति की वजह से हम लोग इतनी पिछड़ा, इतनी नीचे गिर गए जो औरत की भी अधिकार नहीं थे, नहीं तो पढ़ने लिखने की नहीं मतलब समाज में कोई सम्मान मिलता था। कहाँ से आया भाई? अलीगढ़ से भाई। क्या यहाँ पे विशेष जो कितनी किताबें है बाबा साहब का, ये रैली के लिए आप आए हो? हाँ, रैली के लिए। जहाँ जहाँ रैली होती वहाँ वहाँ जाते हो? हाँ जी। आप कहाँ से हो अम्मा? मैं भी भैया जिला अलीगढ़ से भाई। तो आप क्या करते हो? यही करते हैं, साहित्य का काम। जहाँ जहाँ रैली होता वहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो इन साहित्य में केवल बाबा साहब की से जुड़ी किताबें होती है? नहीं, हम अपना दलितों का ही साहित्य बेचते हैं। क्या बोली? केवल दलितों का ही साहित्य बेचते हैं। अच्छा, दलितों का? हाँ, अपने महापुरुषों का ही साहित्य बेचते हैं। साहित्य बेचती हैं? तो जितने लोग आप आए हो सभी लोग केवल दलित समाज के लोगों के ही उत्थान की बात करते हो? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से किताबें प्रमुख है, कौन कौन साहित्य की किताबें हैं? सभी महापुरुषों की है, ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, काशीराम, तो सभी महापुरुषों की किताबें। अच्छा, संविधान की कॉपी है। क्या क्या इसमें बाबा साहब के बारे में आप क्या क्या जानते हो, क्या क्या बताते हो लोगों को? क्या बताते हैं भैया, बाबा साहब के बारे में तो हर कोई इंसान जानता है, और जानते भी पीछे हटे वो इंसान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया, देश को चलाया। अब तो ये है कि मनुवादियों के हाथ में सरकार है तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि देश में जो चल रहा है उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब क्योंकि अब तो रैली सब जगह करते हो, हर जगह जाते हो, हर जगह बताते हो, क्या अंतर दिखता है आपको? भैया रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में ऐसे अपने समाज जुड़ती है, बोलती है, फिर भी मनुवादी लोग ऐसे लगे हुए हैं जो कि हमारी समाज को बिखेर के रखा हुआ उन्होंने। तो आपके लोग भी बटे हुए हैं, उनको आप इकट्ठा करने के लिए इस तरह की रैली में जाते हो? साहित्य कोशिश पूरी हो रही है और इकट्ठा होंगे भी। तो ये किताबें आप बेच भी देते हो, क्यों गमछे हैं जो झंडे हैं सब बिकते भी हैं? हाँ, बिकते भी हैं। तो आपका काम एक तो इससे पैसा भी कमाना हो जाता है, दूसरा? नहीं, 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 पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि किराया भाड़ा बहुत ज्यादा लगता है और महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारा उद्देश्य है कि सामान ये बहुत जगह नहीं मिलता है, अगर बहुत जगह मिले, हर आदमी, हर इंसान हर एक जगह से खरीद ले, हमारा उद्देश्य है ये प्रचार करना। प्रचार करना? हाँ, जन जन तक सामान पहुंच जाता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख तस्वीरें हैं? ये संत राजचंद गाड़से बाबा, ये कौन क्या है, इनके बारे में क्या बताया, कुछ बताइएगा भाई? इनके बारे में तो पढ़ा तो है नहीं। अच्छा, वैसे भी ये भी इन्होंने भी आंदोलन किया है। अच्छा, किनके बारे में आपने पढ़ा और कौन आपके लिए लगते हैं कि बेहद खास है, जिनके बारे में आप बेहतर बता सकते हो? भाई ये महापुरुष सभी खास हैं। अच्छा, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने वहाँ पर सभी सभी ने काम किया है। इस रैली में आने वाले लोगों को किनके बारे में आप ज्यादा बताना चाहते हो या जिनको ज्यादा बताते हो आप रैली में आने से? जो लोग रैली में आते हैं उनमें से किन लोगों को सबसे ज्यादा किसके बारे में आप बताते हो? भाई सभी, ये तो सभी महापुरुषों के बारे में बताते हैं, सभी जानते हैं इसको तो। अच्छा, सभी के बारे में बताते हो? सारे पुस्तकें आप दिल्ली से ही लेकर आए हो? नहीं, अलग अलग से भी लेते हैं। अच्छा, दिल्ली से भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना गौतम। मीना गौतम जी, तो देखिए कैसे है कॉमरेड?
कहाँ से आप आए हैं? यहीं से हो कि आप भी बाहर से आए हो? बाहर से आए। कहाँ से हो? कैमूर जिला। अच्छा, कैमूर से। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है कि जो भी बहुजन है उनका अपना एक सामाजिक स्वाभिमान है, उनका एक स्वराज होना चाहिए। जो स्वराज को पूरा देश बहुजन समाज के स्वराज को डिस्टर्ब करता है, उस स्वराज को ताकतवर बनाने के लिए बहुजन समाज जोड़ो आंदोलन यात्रा शुरू भाई ने किया है और आज समापन है उसका, और हम लोग साथ हैं भाई के। बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई है, साहित्य की बात हो रही है। अमूमन इस तरीके की रैलियों में कम दिखता है, आजकल पार्टी के झंडे ज्यादा दिखते हैं, साहित्य की बात कम दिखते हैं, अन्य रैलियों की बात हम कर रहे हैं। पहली रैली जहां देख रहे हैं जहां पुस्तकों के ऊपर फोकस किया गया। राष्ट्र में जो बहुजन संबंधित पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, और भी एक दो पार्टियां हैं जो साउथ में हैं, उनका जहां भी कैंपेन लगता है वहां पर ये सभी बहुजन महापुरुषों के विचार। या वामदल की भी जो पार्टियां, वो लोग भी ऐसे ही कुछ प्रचार करते हैं। कौन? वामदल की जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके यहाँ भी बहुत सारे पुस्तकें, साहित्य से जुड़े लोग पहुंचते हैं। हम दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमारा ये इतिहास है। जैसे चमार रेजिमेंट 1841 का है। अच्छा, ठीक है। चमार रेजिमेंट का स्थापना हुई थी, और वैसे बहुत कुछ चीज़ है, जैसे मनुस्मृति है, या लोगों की इसमें क्या क्या बुराइयां लिखी हैं अलग अलग समाज के लिए, नारी के लिए, अछूत के लिए, शूद्र के लिए, आदिवासी के लिए क्या क्या लिखी हैं, दंड इसमें है। ठीक है, इसमें तो उसका हेडिंग है कि मनुस्मृति जलाई क्यों गई। किसका हेडिंग? मनुस्मृति के बारे में कि जलाई क्यों? मनुस्मृति इसलिए जलाए भाई, हमारे बारे में गाली आप दोगे तो हम आपको जला देंगे। मनुस्मृति क्या चीज़ है? आप मेरे बारे में गाली देंगे हम आपको जला देंगे। लेकिन अभी तो जम के बिहार में तो बवाल मचा हुआ इसी बात को लेके। ये तो पुराना चीज है। देखिए, बाबा साहब मनुस्मृति सन 1925 में 27 को फूंक दिए थे, लेकिन हमारा पिछड़ा समाज आज भी उस मनुस्मृति को पीठ पर ढोते हुए लेकर घूम रहा है। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ था उस दिन मनुस्मृति पूर्ण रूप से मर गया था, लेकिन आज भी हमारे पिछड़ा आदिवासी समाज जो है, अछूत शूद्र ये सब सारे SC ST OBC के समाज उसको ढो रहे हैं। आज भी उसका कोई मतलब नहीं है, मनुस्मृति का बात करने से आज के डेट में कोई मतलब नहीं है, उसका कोई दायित्व मतलब कोई मतलब ही नहीं है। बाबा साहब ने उसको जला दिया है, जो चीज जल गया खत्म। समाज में आपके जो लोग हैं वो भी बटे हुए हैं, बहुत से लोग आज बिहार की अगर बात करें, बिहार की सियासत में कई धड़े में लोग बटे हुए हैं, कई पार्टियों में लोग हैं बटे हुए हैं। तो इसके लिए क्या पूछना चाहते हैं? तो क्या सबको एकजुट करने का एक संदेश है? बहुजन जोड़ो महासम्मेलन यात्रा शुरू हुआ था, जो स्वाभिमान रैली के एक यहाँ पर एंडिंग होगा, तो इसमें भाई का यही ऐलान है कि बिहार के जो भी बैकवर्ड माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, पार्टियां हैं, वो सब एक मंच पर आकर अपने स्वाभिमान के बारे में सोचें। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धीरू अम्बेडकर, और मैं भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी का स्पोकर हूँ, मैं स्पीच देते रहता हूँ। जय। आप कहाँ से आए हैं बंधु? जी, हम चंपारण से आए हैं। चंपारण से? क्या उद्देश्य? गले में जो निशान वाला गमछा ये बता रहा है कि आप भीम सेना से जुड़े हुए हैं। आप हम वहाँ के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। आज जो बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा की यहाँ एंडिंग हो रही है, वो हमारे जिला से ही शुरुआत हुआ था, पश्चिमी चंपारण बेतिया से, जो आज यहाँ खत्म होगा। चंद्रशेखर भाई खुद वहाँ गए थे, शुरुआत किए थे, आज यहाँ खत्म हो रहा है। हम सभी भाई यहाँ एकजुट हुए हैं कि इस रैली को ज़्यादा से ज़्यादा करके सफल बना। अगर बात करें दलित समाज की, बात करें सबसे पिछड़े समाज की, बात करें, इनमें भी बिखराव आजकल खूब हो रहा है, अलग अलग लोग आ जाते हैं। बिखराव हुआ है तभी तो भीम आर्मी आई, आजाद समाज पार्टी सबको एक करेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक मंच पर लाएँ, और हम लोग लाएंगे। भीम आर्मी जब भी उतरी है समाज में या धरातल पर, तो वो काम करके ही वापस गई है, ये भी काम करेगी और सबको एक जगह जाएगी। बिल्कुल। एक बार चलते हैं, आप स्पोक पर्सन है भाई साहब, सबसे बुलंद जो नारा आपका है, जो लोगों के बीच आप पहुंचाते हैं, उसकी कुछ मुखड़े हम समझ। सबसे बुलंद नारा किस पर बोले? भाई के ऊपर बोले, पार्टी के ऊपर बोले, किसके ऊपर बोले? अब समाज के ऊपर बोलिए। मैं समाज के ऊपर बोले? बिल्कुल। तो समाज के ऊपर बने किस टाइप का नारा होना? क्या विवादी दो तो सब लोग बोलते हैं हम एक हैं, ये नारा है यूनाइट होने का। बिल्कुल ठीक है। और भाईचारा जिंदाबाद, बहुजन मैत्री अमर रहे, ये सब यूनाइट करने का नारा है जो बाबा साहब मानवर साहब भी सब दिए हैं। विरोधियों को तो
बहुत ऐसे है नहीं बोलना है विरोधियों के बारे में, हम खुद को प्रमोशन करना चाहते हैं, दूसरे को हम आज का थीम आपका क्या है, आज का प्रमोशन का थीम आपका क्या है? आज का प्रमोशन का थीम हम लोग का यही है कि जिस हिसाब से हम लोग कहीं भी जुर्म के जर्रे जर्रे को अगर ठंडक पहुंचा रहे हैं तो उस एंटीडोट का नाम है भीम आर्मी। पूरे राष्ट्र में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का जुर्म हो, चाहे उसके प्रति अत्याचार का कितना भी आक्रोश क्यों न भरा हो, लेकिन उसके जर्रे जर्रे को ठंडक पहुंचाने वाला एक एंटीडोट है जिसका नाम है भीम आर्मी। और हम लोग का ये मकसद है जितने भी गरीब शोषित दमन से पीड़ित जितने भी गरीब हैं असहाय हैं है ना, वो सब एकत्रित हो जाए, ठीक है? और इकट्ठा होने का मतलब क्या, पूरा माइंड सेटअप के साथ इकट्ठा होए। ऐसा नहीं कि 5 साल जय भीम का नारा बोले और 5 साल बाद चुनाव आ गया तो उसी दुश्मन का नोट दारू रुपया मीट मांस अपने ही चमटोल में अपने ही भवन मने क्या बोलते हैं दुष्धान में छोटी छोटी बस्तियों में बांटने का काम करने लगते हैं। मान्यवर साहब एक बुक लिखे हैं चमचा युग, तो ये जो देश है ये चमचा युग में आ चुका है और चमचाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है इस देश में, तो उसको ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को। बिल्कुल आपका क्या नाम है? शिवानी गौतम। शिवानी जी आप कहाँ से आए हो? मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा आप ये तमाम जो पुस्तकें लेके आई है क्या संदेश है, इसका मकसद क्या है? हमारी जो भोजन समाज है ये भोजन समाज अभी जग मतलब ढंग से जग नहीं पाए, इसलिए हम ये बुक्स हम इसलिए जगह जगह हर जगह जाते हैं कि हमारे भोजन समाज कम से कम बुक्स तो खरीदे, इसको तो पढ़े। बाबा साहब ने तो बहुत संग्राम किया लेकिन उनकी संग्राम सफल कहाँ हुआ, लेकिन अब हम सोचते हैं सब लोग मिलके एक साथ होके हम थोड़ा भजन समाज जग जाए, जागरूकों के काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लिए कौन सी पुस्तकें हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप प्रेफर करते हो कि ये पुस्तकें आप लीजिए पढ़िए समझिए? देखिए सर इसमें बाबा साहब जितनी किताब लिखे गए सारी किताब इम्पोर्टेंट है। ये जो हिंदू धर्म की रीडिल पूना पैक्ट बनाम गांधी, ये हमारी महिला को लिए हिंदू कोड बिल, ये बहुत जरूरी है। मनुष्य सबसे मेन मुद्दा तो वही है मनुस्मृति जी। ये मनुस्मृति की वजह से हम लोग इतनी पिछड़ा इतनी नीचे गिर गए जो औरत की भी अधिकार नहीं थे, नहीं तो पढ़ने लिखने की नहीं मतलब समाज में कोई सम्मान मिलता था। आज हिंदू कोड बिल की वजह से बाबा साहब की हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे जो इतनी बड़े बड़े नौकरी सर्विस ये सब बाबा साहब की बदौलत है। बिल्कुल। और देखिए मनुस्मृति के बाद ये मनुस्मृति जलाई गई, ये भी बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया जो मनुस्मृति जला दिया, नहीं तो आज हमारी वही हाल होता जो पहले था। जा कितनी पुस्तकें बिक जाती हैं एक रैली में? सर इसकी तो ग्राहक के ऊपर है। अच्छा। खर्च निकल जाता है? कहीं निकलते भी है कहीं नहीं भी निकलते हैं। डेली तो रैली होता नहीं है? नहीं, तो महीने में दो तीन चार बार तो उससे पूरा खर्च हो जाता है, परिवार चल जाता है? नहीं खर्चा नहीं चल पाता सर, ये हमारे एक मतलब शौक है जो बहुत बढ़िया। आधा से आजादी कमीशन का तो काम आप लोग कर रहे हैं जी सर, इससे इतनी देखिए अभी मैं राजस्थान मध्य प्रदेश गई थी, आधा से अधिक काम वहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ जो स्टॉल छोड़ के मैंने स्टॉल खुला भी नहीं, वहाँ एक प्रीति मैम आई थी, उन्होंने बोला कि बहन जी हमें चलना है, हमें औरतों को इकट्ठा करके लाना है। मैंने कि चलिए, तुरंत चली गई और मैं उनके साथ सारे औरतों को इकट्ठा करके लेके आए वहाँ पे। ये मकसद थोड़ी नहीं कि हमारी किताबी बिके का हमारी धंधा ही हो, इसके साथ साथ हमें संग्राम भी तो करना है।
बिल्कुल, तो मेन मकसद यही नहीं है जो हमें पैसे ही मिले और हम मतलब हमारी खर्चा ही निकले, हमारी समाज के लिए भी कुछ टाइम निकलना पड़ता है, देना पड़ता है, तभी तो ये लोग जानेंगे। मतलब समाज को जागरूक करना है। जी 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 सर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।